बहुत बहुत समय पहले सदगुरु ने मेरी माँ से कहा था कि वे एक छोटी नाव, एक छोटी फिशिंग बोट लेकर अफ्रीका की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी नाव थी जो ये यात्रा करती थी और ऐसे कैटमरान्स थे जो ये करते थे। उन्हें 6 महीने की यात्रा करनी थी। तो समुद्र में होना, पानी के इस विस्तार में होना, ऐसा था कि मैंने सोचा वे उत्साहित होंगे और इसका आनंद लेंगे और उनका ध्यान प्रोग्राम दर प्रोग्राम, इंटरव्यू दर इंटरव्यू पर नहीं होगा। मैं कितनी गलत थी उन 2.5 दिनों के बारे में। तो जब हम रियाद पहुंचे, ये हमारे लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हर जगह बस रेगिस्तान था और मैंने खुद ऐसा कभी नहीं देखा। हम सब बस में थे और उस बस में हम सब बैठे हैं और हम मुश्किल से विंडस्क्रीन के बाहर देख सकते हैं, और हम बाहर देखकर सोच रहे हैं, ओ सब धुंधला सा ही लग रहा है। ये धुंध जैसा ही था, सुबह के कोहरे की तरह। सिर्फ बस से उतरने पर ही आपको पता चलता है कि ये कोहरा नहीं है, ये धूल है, ये रेत है, ये रेत के बारीक कण है। और हम ये बालू का तूफान चारों ओर देख रहे हैं और हम नहीं जानते कि सतगुरु उसके बीच कैसे चलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने गौर भी किया कि वे सांस में क्या ले रहे हैं और क्या कुछ निकल रहे हैं जब वो बाइक चला रहे थे। और मुझे लगता है सच में मुझे ऐसा एहसास हुआ जब हम जहाज पर चढ़े। तो हमने ओमान से जामनगर के लिए एक जहाज लिया और कम से कम मैं यही सोच रही थी कि उनके लिए 3 दिन की छुट्टी की तरह होगा। तो हम बोर्ड पर आते हैं और हम वहाँ कुछ समय के लिए थे, क्रू से मिले, कैप्टन से मिले। पहले दिन हम बिल्कुल ठीक थे और फिर दूसरे दिन जब हमने उन्हें सुबह देखा तो वो ठीक नहीं लग रहे थे, और मैंने पूछा आप सोए कि नहीं, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ और खांसने लगे। और जब उन्होंने थूका तो उसमें कफ में बालू और मिट्टी के गोले थे, बस थोड़ा सा नहीं, जैसे कफ में थोड़ी सी धूल हो, ये ऐसा नहीं था। आप देख सकते थे बालू और मिट्टी के कण उनके फेफड़ों से बाहर आ रहे थे। मुझे पता भी नहीं था कि इतनी रेत किसी के फेफड़ों में जा सकती है और इस तरह से बाहर आ सकती है। उन्हें ये रेत के गोले खांसते देखकर पता नहीं क्या उनके फेफड़ों को कुछ हो गया है, क्या ये गंभीर बात है, क्या हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए, क्या क्या बात है, मुझे पता भी नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि वे खांस रहे हैं, उनकी आवाज जा रही है, वो एक बार में कुछ मिनट से ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, और जब वे बोलते हैं तो धीरे बोलते हैं। और हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक हैं, क्या आपके लिए कोई दवा लाए। वो मुझसे पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, तुम ये छोड़ो, तुम जाकर देखो कि सबने खाया कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। और मैं उन्हें देख रही हूँ, वे इतने कमजोर हो गए हैं और वो बैठते तो आराम से वापस खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें ये इस हालत में देखना हैरानी में डाल देने वाला था। लेकिन इस सब के बीच में भी वो कुछ नहीं कह रहे, वो बस कहते मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, मुझे कुछ लिखना बाकी है, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें इतना तेज बुखार था और वे खांस रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। हम नहीं जानते थे कि वो कितने बीमार या कितने ठीक हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बहुत तेज बुखार था। जब भी वे खांसते, अगर हम उन्हें टिश्यू देते तो टिश्यू में रेत के कण निकलते। तो दूसरे दिन हम डेक पर गए और वहाँ नाव में उस कोने, उस टिप पर हमने उनके बैठने के लिए एक छोटा सा स्टूल लगा दिया था, और वीडियो टीम कुछ अच्छे वीडियो लेना चाहती थी। तो वो वहाँ गए और स्टूल पर बैठे थे और वहाँ कुछ समय के लिए थे। और शायद पहली बार मैंने उन्हें कहते सुना मुझे जाना होगा। वे उठे और पूरे रास्ते रेलिंग पकड़े रहे और वापस अंदर गए। Thank you.
अपने कमरे में चले गए। ये देखना थोड़ा अजीब था कि उन्हें बस चलने के लिए किसी और चीज का सहारा चाहिए। वो 10-15 फीट बस इतनी सी दूरी चलने के लिए उन्हें रेलिंग का सहारा चाहिए। मैं इतनी असहज थी उन्हें कमरे में अकेले सोने देने को लेकर कि मैं जाकर उनके कमरे के सोफे में सो गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था रात में अगर वो उठते हैं और कुछ हो जाता है तो कोई कुछ करने के लिए नहीं होगा। और ये जहाज है, और जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क रहा है। हम लगभग 30-32 डिग्री आगे पीछे लुढ़क रहे थे। ये हम सभी के लिए एक मुश्किल यात्रा थी, लेकिन खासकर उनके लिए, क्योंकि वे पहले से ही बीमार थे और आप ढंग से आराम नहीं कर सकते क्योंकि आपका शरीर लगातार हिल रहा है। वो खांस रहे थे और खांसे जा रहे थे। हम पूछते, आप ठीक है, आपको कुछ चाहिए? वे कहते, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और मिनट भर को रुकते और जो कर रहे होते करने लगते। ये देखना इतना तकलीफ दे था। सदगुरु ने कहा, आप क्रू को साथ क्यों नहीं बुलाते? हम उन्हें अभियान में शामिल करेंगे, हम उनसे सेफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमने क्रू को उनकी मीटिंग एरिया में बुलाया जो कि नीचे था। वे बैठे और सेफ सॉइल के बारे में बात करने लगे और उनकी आवाज खोने लगी। वो कुछ कह रहे होते और बीच में खांसने लगते और कहते, माफ कीजिए। And he was not able to get full sentences out in the way that we are so used to seeing him. और वो अपनी बात पूरी नहीं बोल पा रहे थे, जैसे कि हम उन्हें कार्यक्रमों में देखने के इतने आदि हैं। वो खांस रहे थे, उनकी आवाज खो रही थी। इसे देखना बहुत मुश्किल था। तो कुछ देर बोलने के बाद उन्होंने कहा, क्यों ना हम पहले वीडियो चलाएं, फिर हम बात करेंगे। उन्हें उन कुछ मिनटों के ब्रेक की जरूरत थी क्योंकि वो लंबे समय तक लगातार बोल नहीं पा रहे थे। एक समय पर जब हम नाव पर थे, मैं सच में सोच रही थी, इससे फर्क नहीं पड़ता वो 100 चीजें करना चाहते हैं, हम सबको देखना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये अमानवीय है। ये सुपर ह्यूमन नहीं, इनह्यूमन है जिस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरे। हम जामनगर के बंदरगाह पर पहुंचे और वे बस जहाज से उतरे और भीड़ में चले गए। वे बोले, और जब वे खांसते तो माफ़ी मांगते, माफ कीजिए मैं बस थोड़ा, और फिर बोलते। फिर मैंने सोचा, वहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ रुकना है, और उसके बाद नौसेना का कार्यक्रम था। वो वहाँ बोल रहे थे, वहाँ भी जब वो बोल रहे थे तो आप सुन सकते हैं उनकी आवाज़ वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर होती है, वो बहुत खराश भरी है। और फिर बोलते, या वो खासकर कहते, माफ़ कीजिए मैं, मुझे बहुत खेद है, जैसे वो माफ़ी मांग रहे हो कि वो ठीक नहीं है, बिना ये कहे कि वो ठीक नहीं है। वहाँ से हम गए और एक बहुत भव्य स्वागत हुआ। ये घंटे डेढ़ घंटे का लंबा कार्यक्रम था और वे लगातार बोल रहे थे। ये देखना अविश्वसनीय था, लेकिन थोड़ा तकलीफ देने वाला था, क्योंकि हमने देखा था कि वे पिछले 2-3 दिनों में कैसे थे, और हम बस इतना ही चाहते थे कि वो कुछ देर आराम कर सकें।